फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट के बाद एक और बड़ा ऑफर दे दिया है, जिससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो सभी रास्ते खुल जाएंगे जिनसे भारत अपने हथियारों को बड़ी मात्रा में दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएगा। फ्रांस का कहना है कि भारत अब जितनी भी एडवांस क्लास की मिसाइलों को तैयार कर रहा है, उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि उनको राफेल फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। यानी कि फ्रांस जितने भी देशों को राफेल फाइटर जेट एक्सपोर्ट करता है, भारत डायरेक्टली उन देशों को ये मिसाइलें कम कीमत पर एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी कि फ्रांस ने अपने साथ साथ भारत का भी फायदा सोचा है और भारत यहाँ पर आसानी से बड़ी मात्रा में मिसाइलों को एक्सपोर्ट कर पाएगा। और कमाल की बात यह है कि फ्रांस जितने भी देशों को राफेल फाइटर जेट एक्सपोर्ट करता है, उनके साथ भारत के रिश्ते मजबूत ही हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, इस छोटे से वीडियो में जानते हैं। लेकिन भारत की इस बढ़ती तैयारी के लिए वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फ्रांस और भारत मिलकर के एक जॉइंट ट्रायल करने जा रहे हैं भारत की तरफ से तैयार की गई असरा मिसाइल को लेकर के, और इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा राफेल फाइटर जेट के साथ। और यह सारा प्रोसेस इसी साल के अंदर कंप्लीट किया जाना है, और आज से नहीं बल्कि फ्रांस की साल 2022 से ही तैयारी है कि भारत के साथ इस तरीके की डील भविष्य में की जाएगी। क्योंकि साल 2022 में एक इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है विद PDL, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ और रिसॉल्ट एविएशन लिमिटेड के बीच में, ताकि हम इस तरीके के इंडियन मेड वेपन्स का इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट के साथ कर सकें। हैरानी की बात यह है कि इनको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिसमें असरा MK-1, MK-2 और MK-3 मिसाइलों को, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं, इन्हें आसानी से इन फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और यह इस प्रोजेक्ट का सिर्फ फेज वन है, क्योंकि इसमें फेज टू को भी शामिल किया गया है जिसे बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। लेकिन रिसर्च के समय हमें यह जानकारी भी मिल गई, असल में DRDO के साथ एक और मिसाइल डेवलप किया जा रहा है। इसका नाम SAV, यानी कि स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन है, और इसे DRDO की तरफ से लगभग तैयार किया जा चुका है, जो एक लॉन्ग रेंज अटैक वेपन है, और इसे भी राफेल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी साल इन दोनों चीजों की टेस्टिंग की जानी है। और रिसेंटली भारत और फ्रांस ने 26 राफेल फाइटर जेट को लेकर के लगभग 50,000 करोड़ की डील को फाइनल करने का फैसला किया है। इसी के साथ भारत के पास अभी करीब 36 राफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात की जाए फ्रांस किन देशों को राफेल फाइटर जेट एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें खुद फ्रांस कई राफेल का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ इंडिया के पास 36 राफेल है, इजिप्ट के पास 24 राफेल है, कतर 36, ग्रीस 18, इंडोनेशिया करीब 42, और UAE के पास करीब 80 राफेल फाइटर जेट है जो करेंटली कुछ रिव्यूज में है और कुछ कंप्लीट इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए यह सभी देशों का रास्ता खुल जाएगा जहां पर हम आसानी से मिसाइलों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसीलिए भारत के अंदर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। क्या कुछ मानना है आपका भारत की इस बड़ी तैयारी पर और इस तरीके के प्रोजेक्ट जो वाकई भारत के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।